आज का विषय है क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स कैसी होती हैं? एक्स ट्रांसपोज ए एक्स जैसी होती है। जैसे कि हमने बाइलिनियर फॉर्म पढ़ी थी वो ऐसी होती थी। अब हमें क्वेश्चन ले रहे हैं टू एक्स वन स्क्वेयर माइनस एक्स टू स्क्वेयर सिक्स एक्स थ्री स्क्वेयर फोर एक्स वन एक्स टू फाइव एक्स टू एक्स थ्री फोर एक्स थ्री एक्स वन। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालिए। ये हो गई, कैसे निकलेगी? इधर हम लिखेंगे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इधर लिखेंगे एक्स वन एक्स टू एक्स, ये टू यहां पर माइनस वन यहां पर सिक्स, ये जो है आधा यहां पर आएगा आधा यहां पर आएगा, तो टू यहां पर टू यहां पर हाफ, यानी कि टू एक्स वन एक्स टू और टू एक्स टू एक्स वन। सिमिलरली ये माइनस फाइव बाई टू यहां पर माइनस फाइव बाई टू, इसका आधा यहां पर आधा यहां पर। तो ये बन गई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेकेंड टाइप। यदि हमें कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी हो, मैट्रिक्स दे रखी हो, सिमेट्रिक हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, यहां से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने, एक्चुअली इसका मीनिंग हमें यहां पर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तीन ही क्यों लिए, तीन रो, इधर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, फाइव एक्स वन स्क्वेयर ट्वेंटी सिक्स एक्स टू स्क्वेयर टेन एक्स थ्री स्क्वेयर। अब इन दोनों को जोड़ लो, छ एक्स वन एक्स टू चौदह एक्स वन एक्स थ्री फोर एक्स टू एक्स थ्री। ओके, अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है एक्स वन स्क्वेयर टू एक्स टू स्क्वेयर सेवन एक्स थ्री स्क्वेयर माइनस फोर एक्स वन एक्स टू एट एस एक्स वन एक्स थ्री। ओके, इस इक्वेशन को डायगोनलाइज्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदलना है। किसमें बदलना है जी? डायगोनलाइज्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म, वो एक प्रकार की रिडक्शन फॉर्म। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमने डायगोनलाइजिंग डायगोनलाइज्ड फॉर्म में लिखना है। इट इज सेम एज द जो हमने बाइलिनियर इक्वेशन को रिड्यूस किया था। देखिए कैसे करेंगे, उसको हमने पी ए क्यू फॉर्म में बनाया था। पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स क्या बनेगी इसकी? वन टू माइनस सेवन, आधा यहां पर आधा यहां पर, ठीक है, आगे फिर जीरो यहां पर जीरो यहां पर आधा यहां पर आधा यहां पर। पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था पी ए क्यू फॉर्म में बनाना कि वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन ए जीरो 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 वन जीरो 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 वन। बच्चों हमें पता है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यदि हम कोई इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाएं, सेम कॉलम लगाएं, तो हम एक तरफ लगा के ही अपनी लिखने की चीज को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लिखना चाहे तो कोई बात नहीं। अब देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू गेट, देखिए मैं ऑपरेशन लगाता हूं, इन दो को जीरो बनाता हूं, क्या लगेगी? आर टू प्लस टू आर वन, आर थ्री माइनस फोर आर वन। सिमिलरली ही इनको भी साथ में बनाते हैं, सी टू
plus 2c1 and c3 minus 4c1. तो क्या होगा, ये बनेगी हमारी 1 0 0 0 minus 2 8 0 8 minus 23. इधर जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, 1 2 minus 4 0 1 0 0 0 1 1 2 minus 4 0 1 0 0 0 1. अब अगला काम है इन दो को जीरो बनाना। कैसे बनेंगे, R3 plus 4 times R2 C3 plus 4 times C2. इधर क्या आएगा, 1 0 0 2 1 0 4 4 1 A 1 2 4 0 1 4 0 0 1. ओके, 1 2 4 0 1 4 0 0 1. ठीक, अब हमारी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में रिड्यूस होएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इस फॉर्म में रिड्यूस होगी। ओके, अब हमने क्या लिया, देखो वहां पर हम एक्स इज इक्वल टू यहां मानेंगे पी वाई, इसको पी बोलेंगे, इसको पी ट्रांसपोज, तो इसको पी बोलेंगे, ये पी और ये पी ट्रांसपोज। तो व्हाट इज एक्स, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, पी है 1 2 4 0 1 4 0 0 1, वाई वन वाई टू वाई थ्री। एक्स वन की वैल्यू क्या आएगी यहां पर, वाई वन प्लस टू वाई टू प्लस फोर वाई थ्री। एक्स टू की क्या आएगी और एक्स थ्री की क्या आएगी, ये आएगी। यदि हम इन वैल्यूज को यहां रख दें तो वी गेट दिस थिंग। तो अब देखें, तो व्हाट इज रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज डी मैट्रिक्स कह देते हैं, इसका रैंक है 3। इसमें पॉजिटिव कितने डायगोनल एलिमेंट हैं, 2। नंबर ऑफ पॉजिटिव डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड इंडेक्स, जिसको हम पी से डिनोट करेंगे, कितना आ गया, 2। नाउ व्हाट इज सिग्नेचर, सिग्नेचर इज 2p-r, यानी कि 4-3 इज इक्वल टू। तो रैंक, इंडेक्स और सिग्नेचर, किसी क्वेश्चन में तीन चीजें और आपसे पूछी जा सकती है, करेक्ट। किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डायगोनलाइजेशन का और भी तरीका है, उस तरीके को देखते हैं। क्या नाम है इस मेथड का, लैग्रांज मेथड, ठीक है, लैग्रांज मेथड। क्या करना है इस मेथड में, थोड़ा सा इस मेथड को मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले इस टर्म को देखो, 2x1 square। एक्स वन किस किस के साथ है, सारे इकट्ठे कर लो, 2x1 x2 minus 4x1 x3, जो बिना x1 वाली टर्म है उनको फिर लिख लिया। आवर टारगेट इज टू दिस इज ए कंप्लीट स्क्वायर, इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो 2 कॉमन
बनेगा क्या एक्स वन स्क्वेयर, यहां से एक्स वन कॉमन, एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री। इसका आधा कीजिए, उसका स्क्वेयर दोनों तो ऐड भी कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस हाफ कॉमन। अब एक्स टू वाली टर्म लेनी, केवल सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आपका, मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, एक्स टू वाली ये टर्म है, थ्री बाय टू कॉमन ले लो, एक्स टू स्क्वेयर माइनस फोर बाय थ्री एक्स टू एक्स थ्री, इसको कंप्लीट स्क्वेयर बनाइए। कंप्लीट स्क्वेयर बनाएंगे तो फोर बाय नाइन एक्स थ्री स्क्वेयर ऐड करेंगे, तो इतनी चीज इससे मल्टीप्लाई करके पहले तब सब ऐड करेंगे, तो हमारे पास ओवरऑल चीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा प्लस थ्री बाई टू एक्स टू माइनस टू बाई थ्री एक्स थ्री स्क्वेयर, यहां से आ जाएगा वन बाई थ्री, इसको हम वाई वन, इसको वाई टू, इसको क्या बोलते हैं वाई थ्री, टू वाई वन स्क्वेयर थ्री बाई टू वाई टू स्क्वेयर एंड वन बाई थ्री वाई थ्री स्क्वेयर। तो वाई वन की वैल्यू हो जाएगी एक्स वन प्लस हाफ एक्स टू माइनस एक्स थ्री, वाई टू की वैल्यू हो जाएगी एक्स टू माइनस टू बाई थ्री एक्स थ्री, और वाई थ्री की वैल्यू हो जाएगी एक्स थ्री। तो यहां से एक्स थ्री इज इक्वल टू तो आएगा वाई थ्री, एक्स टू आएगा जी वाई टू प्लस टू बाई थ्री वाई थ्री, एक्स वन आएगा जी वाई वन माइनस हाफ वाई टू टू बाई थ्री वाई थ्री। अब यहां से इक्वेशन बना दी, हाफ वन बाई हाफ माइनस टू बाई थ्री जीरो वन टू बाई थ्री जीरो जीरो वन, ये मैट्रिक्स बनेगी पी, ये मैट्रिक्स पी बनेगी सच दैट आपको पता है इस पी से हमने क्या फॉर्म क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, जैसे मैंने यहां बताया था ये डायगोनल फॉर्म बनाने में पी यूज होगी। ठीक है, मतलब यानी कि पी ए पी ट्रांसपोज करोगे तो वो अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी, डायगोनल फॉर्म बन जाएगी। अब देखते हैं, अब बात होती है कि यहां यदि आपको रैंक वगैरह पता करना है तो रैंक वगैरह यहां से पता लगा, ये तीनों तीन है तो रैंक इसका तीन है, इंडेक्स भी तीन है क्योंकि तीनों इसके पॉजिटिव है, सिग्नेचर टू पी माइनस थ्री टू पी माइनस आर वो भी तीन है। ओके, एनी डाउट एनी कंफ्यूजन इन दिस एक्सरसाइज, आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस एक्सरसाइज विद दिस वर्ड, वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड एंड थर्ड एक्सरसाइज।